चंद्रपुर महाऔष्णिक विद्युत केंद्र में ठेका कर्मियों को स्मार्टफोन पर बंदी तथा दुपहिया वाहन परवाना शर्त अनिवार्य के विरोध में मनसे प्रणित मराठी कामगार सेना ने आंदोलन किया। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस खबर में। चंद्रपुर महाऔष्णिक विद्युत केंद्र में कंत्राटी कामगारों पर स्मार्टफोन की बंदी तथा दुपहिया वाहन चालकों को परवाना की शर्त अनिवार्य करने के विरोध में मनसे प्रणित मराठी कामगार सेना की ओर से आंदोलन किया गया। गौरतलब है, सुबह वाहनों के परवाना के लिए जब कंत्राटी कामगारों को मेजर गेट के सामने रोका गया तो कंत्राटी कामगारों ने मनसे प्रणित मराठी कामगार सेना महाराष्ट्र राज्य सचिव सचिन भोयर तथा चंद्रपुर जिलाध्यक्ष नितिन भोयर को फोन द्वारा इसकी जानकारी दी। जानकारी मिलने पर वे तुरंत वहां पर पहुंचे और सचिन भोयर ने सीआईएसएफ इंचार्ज से बात कर इसका विरोध किया और देखते ही देखते वहाँ बड़ी संख्या में कंत्राटी कामगार जमा हो गए और थोड़े समय के लिए इस परिसर में यातायात व्यवस्था चरमरा गई। मनसे प्रणित मराठी कामगारों सेना की मध्यस्थी से बाद में इन कामगारों को काम के स्थान पर सीआईएसएफ ने जाने दिया। स्मार्टफोन बंदी के विरोध में साथ ही वाहन परवाना की शर्त रद्द करने के संदर्भ में मनसे प्रणित मराठी कामगार सेना की ओर से मुख्य अभियंता गिरीश कुमारवार को अंतिम निवेदन दिया गया है और स्मार्टफोन बंदी न हटने पर तथा वाहन परवाना की शर्त रद्द न किए जाने पर निवेदन दिए गए तारीख से 8 दिनों के भीतर संपूर्ण काम बंद आंदोलन करने का इशारा इस निवेदन में दिया गया है। सीटीवी के लिए हमारे प्रतिनिधि वैभव गारकर की रिपोर्ट।